सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानेंगे वो फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हमें अपना ट्रेड कल कंसिडर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आज निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर ट्रेड हुआ और फाइनली इसे 17800 का लेवल फिर से रिक्लेम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इन केस अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया तो आज इसमें भी एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग को देखा जा सकता है और फ्यूचर साइड में बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कल आपको दोनों में यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देखने को जरूर मिल सकता है। इन केस अगर हम कंसिडर करें तो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे आज पॉजिटिव है। कल के सेल ऑफ के बाद नैस्डैक यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें मोर देन 1.4% का एक रैली यहाँ पे देखने को मिलता है। सो गाइस, और एक रीजन है क्योंकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इंडिया का आउटलुक यहाँ पे अपग्रेड किया है, तो आपको Q2 रिजल्ट सेशन से पहले मार्केट में एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर कल हमें अपना ट्रेड कंसिडर करना है। सो गाइस, अगर बात करते हैं तो निफ्टी जो कि आज यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एक अपसाइड के साथ ओपन हुआ, तो आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बाद में एक कंसोलिडेशन की वजह से इसने 17690 पे एक स्विंग लो को फॉर्म किया और जब इसने ये जो प्रीवियस हाई था कल का उसे ब्रीच किया 17750, तो बाद में इसमें एक फ्रेश अपसाइड हमें देखने को मिलता है और फाइनली इसने 17800 को यहाँ पे रिक्लेम किया। तो गाइस, अगर कल के ओपनिंग के वक्त यहाँ पे 17800 सस्टेन हो तो आपको इसमें एक फ्रेश रैली जरूर देखने को मिलेगी और इसका फायदा एज ए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर हमें यहाँ पे उठाना है। फ्यूचर ट्रेडर यहाँ पे एटलीस्ट 50-80 पॉइंट्स के लिए एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं और अपना जो टारगेट रहेगा वो होगा 17880 और 17900 तक के लेवल्स। और अगर आप ऑप्शन साइड में ट्रेड करते हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पे 17800 और उसके जस्ट नीचे कॉल्स अनवाइंड हुआ है और पुट लेवल्स पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हमें देखने को मिलता है। सो गाइस, अगर 17800 यहाँ पे सस्टेन हो तो आप एज ए ऑप्शन सेलर 17600 और 700 का पुट सेल कर सकते हैं और 17850 के रिक्लेम होने पे आपको 17700 और 17800 तक के कॉल्स इन द मनी बाय करना है और वो भी एक्सपायरी को देखते हुए। इन केस अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहें तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद जब इसने अपना प्रीवियस हाई कल का हाई को ब्रीच किया तो बाद में एक क्लियर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है 37650 पे और बाद में जब ये वॉल्यूम ब्रेकआउट के वजह से टूटा तो आपको यहाँ पे एक फ्रेश हाई यहाँ पे फॉर्म होता हुआ जरूर दिखेगा। तो गाइस, जब तक कल हम 37700 के ऊपर हैं तो आपको कोई भी सेल पोजीशन क्रिएट करने से अवॉइड करना है और आप 37750 के ऊपर फ्यूचर साइड में एक लॉन्ग ट्रेड अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। अपना टारगेट रहेगा 37850 और 37900 और ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे 37700 का पुट यहाँ पे सेल करना कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं 37500 पे एक ह्यूज पुट राइटिंग है, उसके जस्ट ऊपर कॉल्स भी अनवाइंड हुआ है। सो गाइस, अगर कल 37800 रिक्लेम हो तो आप 37500 से 37700 के बीच पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट करना कंसीडर जरूर कीजिएगा। ऑप्शन बायर्स यहाँ पे 37600 और 37800 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कल हमें अपने ट्रेड के तौर पे कंसीडर करना है। सो गाइस, लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है यह है इंडसइंड बैंक और आज बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग आया उसमें यह स्टॉक काफी बड़ा रीजन था। तो स्टॉक यहाँ पे मोर देन 4.36% ऊपर ट्रेड किया और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 बजे के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रायंगल पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। ये कौन सा ट्रायंगल पैटर्न है उसे आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट का जो कैंडल है उसमें स्टॉक अपने डे हाई पे जाके क्लोज हुआ।
सो गाइस अगर कल 1170 का लेवल हम रिक्लेम करते हैं तो आपको इसके ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिलेगी और वो भी इंट्राडे में, और आप 1180 और 1190 तक के लेवल्स एज ए टारगेट इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इन केस जो लोग दूसरे स्टॉक में ट्रेड लेना चाहें उन्हें बता दूं, पावर सेक्टर में जैसा कि बार बार हमने आपको अपडेट किया है कि यहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड है उसकी बेसिस पे स्टॉक में ये रैली आ रही है, तो आपको इस स्टॉक में प्रीवियसली कुछ दिनों से एक हायर हाइस और हायर लोस का फॉर्मेशन होता हुआ जरूर दिखेगा। तो स्टॉक ने आज एक नया 52 हाई भी टच किया, सो आपको इस चीज का फायदा कल जरूर उठाना है। इन केस अगर स्टॉक 180 के ऊपर ओपन हो तो आप इसमें एटलीस्ट 3-4 रुपीज का एक टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, और स्कैल्पर्स को यहाँ पे 182 के ऊपर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। तो गाइस जो तीसरा स्टॉक है उसे देखने से पहले, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बिना कोई स्पेकुलेशन किए रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करने के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना उन्हें आसान हो सके। जो तीसरा स्टॉक है ये बिलोंग करता है ऑयल सेक्टर को, तो यहाँ पे पेट्रोलियम सेक्टर में से ये है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ONGC काफी बड़ा स्टॉक है, तो आज स्टॉक में मोर देन 10% का ये जो रैली हमें देखने को मिलता है वो एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला है। सो गाइस अगर कल यहाँ पे हम आज के क्लोजिंग के ऊपर एक ओपनिंग को देखें तो आप एक ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, और अपना जो टारगेट रहेगा वो होगा 166 और 168 तक के लेवल्स। सो गाइस जो आखिरी स्टॉक है यह है आदित्य बिरला फैशन, जो कि आज मोर देन 6% के अपसाइड के साथ 250 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है। प्रीवियसली स्टॉक ने आज कुछ देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया 250 के नीचे, लेकिन बाद में जब एक ह्यूज वॉल्यूम ब्रेकआउट आया तो स्टॉक ने इस लेवल को विद इन 15 मिनट्स यहाँ पे फिर से क्रॉस किया। तो गाइस अभी अगर 256 के लेवल के ऊपर आपको स्टॉक सस्टेन होता हुआ दिखे तो आप एटलीस्ट इसमें 5-8 रुपीस का एक टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप अपना रिस्क टू रिवार्ड को देखते हुए 3-4 रुपीस एट मैक्स कंसीडर कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक और डिटेल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, और अगर आपको एक्सक्लूसिव स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के ऊपर अप टू डेट रहना है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, और मॉडल पोर्टफोलियो के एक्सेस पाने के लिए डिटेल्स आपको नीचे देखने को जरूर मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।